दोस्तों फाइल आ चुके हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन पे, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं बजाज फिनसर के बारे में, जिसके मदद से आप घर बैठे इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आप इस एप्लीकेशन से यानी बजाज फिनसर कंपनी से अगर आप घर बैठे लोन लेना चाहते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, कैसे मिलेगा लोन, सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों यहाँ पर बजाज फिनसर के अंदर में इंस्टा पर्सनल लोन के नाम से एक आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको प्री अप्रूव लोन का ऑफर देखने को मिल सकता है अगर आप इनके पहले से कस्टमर होंगे तो। दूसरी चीज यहाँ पर बेनिफिट ये है कि किसी तरह कोई इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इंस्टेंट अगर आपको अप्रूवल मिल जाती है तो इंस्टेंट बैंक खाते में लोन को डिसबर्स करा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 20,000 रुपये से लेकर 12,76,000 रुपये तक समथिंग आपको यहाँ पर लोन की लिमिट्स देखने को मिल जाता है। सीधे बैंक अकाउंट में दोस्तों पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। बट शर्त यहाँ पर होगा क्या कि अगर आप यहाँ पर इनके पहले से कस्टमर होंगे तो आपको किसी तरह का यहाँ पर इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, प्री अप्रूव आपको लोन की लिमिट्स देखने को मिल जाती है। ऐसे केस में दोस्तों यहाँ पर इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप इनके पहले से कस्टमर नहीं है, किसी तरह का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल नहीं करते इनके बजाज का, तो ऐसे कंडीशन में आपसे दोस्तों इनकम प्रूफ मांगी जा सकती है। अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर सेल्फ प्रोफेशनल, दोनों कैटेगरी में एप्लीकेशन ये दोस्तों काम करने वाली है। तो चीजें यहाँ पर देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने। यहाँ पर फिलहाल हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हैं, जहां आपको इंस्टा पर्सनल लोन देखने को मिलेगा। सब कुछ डिटेल में यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं। क्विक प्रोसेसिंग होता है, किसी तरह कोई हिडन चार्जेस यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इनके कस्टमर पहले से हैं तो भैया आपको यहाँ पर लोन की ऑफर करी जाती है, यानी प्री अप्रूव आपको देखने को मिल सकता है। EMI कैलकुलेट आप यहाँ पर कर सकते हैं, कितने का इंटरेस्ट रेट लगेगा, कितने इंटरेस्ट चार्ज लग रहे हैं, कितने दिनों का आप लोन लेना चाहते हैं, आप अपने अनुसार यहाँ पर दोस्तों कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 13% से स्टार्ट हो रहा है। लोन टर्म अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पर चूज कर सकते हैं। बात कर लेते दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। ठीक है, आपकी उम्र दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले समझ लीजिए, आपकी उम्र 21 साल से लेकर 80 साल के बीच होनी चाहिए अगर आप कस्टमर इनके पहले से हैं तो। अगर आप इनके कस्टमर नहीं है तो दोस्तों आपको यहाँ पर लोन की ऑफर जो करी जाएगी, सिविल के बेस पे आपको यहाँ पर दोस्तों लोन ऑफर करी जाएगी, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बताया है। जैसे कि देख सकते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर दोस्तों देना होगा। तो आप यहाँ पर बजाज फिनसर के अंदर में लोन अप्लाई करने से पहले फ्री में आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा सिविल स्कोर। सिविल स्कोर चेक करने के बाद ही आप यहाँ पर दोस्तों लोन के लिए अप्लाई करिएगा। यहाँ पर प्री असाइन लिमिट आपको दोस्तों मिलता है। इस एप्लीकेशन, इस कंपनी का फीचर दोस्तों यही है। फ्लेक्सिबल लोन रिपेमेंट करने का सुविधा मिलता है, इंस्टेंट आपका लोन का प्रोसेस होता है, मोबाइल OTP की वेरिफिकेशन के जरिए से आपके यहाँ पर इंस्टेंट लोन ऑफर करी जाती है। लोन ऑफर करने के बाद दोस्तों सीधे बैंक अकाउंट में पैसे को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी तरह कोई हिडन चार्जेस नहीं है, प्री अप्रूव लोन आपको यहाँ पर दोस्तों मिलता है। बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन से या फिर इस बजाज फिनसर कंपनी से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो दोनों कैटेगरिया दोस्तों अलग होगा। अगर आप इनके पहले से कस्टमर हैं तो, पहले से कस्टमर आप हैं तो इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं होगी। आपकी उम्र 21 साल से लेकर 80 साल के बीच होनी चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। इनकम का सोर्स एटलीस्ट होना ही चाहिए। अगर आप इनके कस्टमर नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आपका सिविल बेस यानी सिविल के ऊपर ही आपको लोन यहाँ पर दोस्तों ऑफर करी जाएगी। तो बजाज फिनसर कंपनी आप अच्छे से जानते हैं कि एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है, कंपनी है। कह लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन हैं तो उसके यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला वो देख लीजिए। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आधार कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड या फिर लेटर ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन आप दे सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पर पैन कार्ड दे सकते हैं, कैंसिल चेक आपको देना होगा, साथ ही साथ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना होगा लास्ट 3 मंथ की, और 3 मंथ की सैलरी स्लिप आपको यहाँ पर दोस्तों देनी पड़ेगी। अगर आप इनके पहले से कस्टमर हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा प्री अप्रूव होने का, अदरवाइज आपके यहाँ पर सिविल बेस आपको लोन ऑफर यहाँ पर दोस्तों करी जाती है। तो ये हो गई बात इनकी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन है तो आपसे दोस्तों यहाँ पर ITR फाइल अगर आप करते होंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपसे मांगी जा सकती है। अगर आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन है तो आपको यहाँ पर सैलरी स्लिप या 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करना होगा, उसी के बिहार पर आपको लोन की ऑफर करी जाएगी। जब आपको प्री अप्रूव का सेक्शन नहीं दिखा, प्री अप्रूव लोन की लिमिट नहीं मिली, तब दोस्तों ये चीजें आपको सुविधा यहाँ पर मिलने वाली है। दूसरा चीज, अगर आपको यहाँ पर प्री अप्रूव लोन की लिमिट लेना चाहते हैं या फिर आप देखना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं, अगर आप इनके पहले से कस्टमर होंगे बजाज फिनसर के, तो आपको प्री अप्रूव का लोन का ऑफर मिल जाएगा। अदरवाइज
यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको देना होगा, इनकम प्रूफ के तौर पे आपको बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप आपको देना होगा, तब जाके दोस्तों यहाँ पर लोन की ऑफर करी जाती है। अब यहाँ पर लोन अप्लाई करके बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरी ऑलरेडी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी थी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो उस टाइम ही मैंने देखा था एप्लीकेशन हमारी डेफिनेटली रिजेक्ट हो गई। क्योंकि हालांकि मैं पहले से ही इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बजाज EMI कार्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, रेगुलर पेमेंट कर रहा हूँ, फिर भी मुझे यहाँ पर प्री अप्रूव की लिमिट नहीं मिली है, जो सच्चाई है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन हैं और पहले से इनके कस्टमर हैं तो आपको प्री अप्रूव देखने को मिल जाएगा अगर आपका सिविल स्कोर सब कुछ सही रहा। कोई भी इनकम प्रूफ आपसे दोस्तों नहीं मांगी जाती है, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं इनके फी और फीचर के बारे में। दोस्तों बात कर लेते हैं फी और चार्जेस के बारे में। देख सकते हैं यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 13% से लेकर 37% साल का यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। प्रोसेसिंग फी देख सकते हैं 3.93% आपके लोन अमाउंट से, वो भी एप्लीकेबल टैक्स के साथ दोस्तों चार्ज किया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज अलग से कुछ भी नहीं है। बाउंस चार्ज यहाँ पर 700 रुपये यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो चीजें समझ लीजिएगा। पेनल्टी चार्ज आप देख सकते हैं 3.5% पर मंथ के हिसाब से चार्ज किया जाएगा मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ। पेंडेंट चार्ज अगर आपका रिजेक्ट होता है तो ऐसे में 450 रुपये आपको दोस्तों फाइन यहां पर देना होगा। कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यहां पर फिलहाल नहीं है। तो 13% से लेकर 37% तक दोस्तों यहां पर चार्ज किया जाएगा। अगर देखा जाए साल का तो 34% 45% अप टू पर एनम इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। बाकी फोर्स क्लोजर्स के लिए कोई भी चार्ज यहां पर नहीं है। लोन अप्लाई करने का सबसे आसान प्रोसेस है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे देंगे। सबसे पहले आप यहां पर ऑफर चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप कोशिश करिएगा सिविल स्कोर चेक कर लेने के लिए। सिविल स्कोर आपका कम से कम अगर आपका 650 या फिर 700 प्लस भी है तो अच्छी बात है, लेकिन डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए और ना ही आपके सेल में राइट ऑफ होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर मोबाइल नंबर के साथ यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ आपको यहां पर OTP वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद अगर आपको दिखता है कि प्री असाइन लोन यानी या फिर प्री अप्रूव लोन की लिमिट्स दिखता है तो सीधे आप अपने लिमिट को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे ही नहीं। तो ये होता है दोस्तों एग्जिस्टिंग कस्टमर का बेनिफिट्स। अगर आप इनके पहले से कस्टमर नहीं है तो भैया आपको यहां पर एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको यहां पर देना पड़ेगा। तो चीजें मैंने दोस्तों आपको बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट है। ये ऑल ओवर इंडिया दोस्तों एप्लीकेशन ये काम करेगी। बजाज फिनसर एप्लीकेशन के जरिए से भी आप ऑनलाइन लोन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।